हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैंने जब ये वाली कैलीग्राफी अपलोड की थी तो आप सारे मुझसे पूछ रहे थे कि आपने इसका बैकग्राउंड कैसे बनाया। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड आपको यूट्यूब में कहीं देखने को नहीं मिलेगा सच में। तो हम ये बैकग्राउंड बनाएंगे वाटर कलर से कैलीग्राफी के लिए। और ये ना वाटर कलर बहुत ज़्यादा चीप है और मैं आज ये वाला इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि कोई भी रिक्रिएट करे तो ईजिली हो जाए। क्योंकि आप लोग समझते हैं कि पता नहीं आर्टिस्ट के पास कितनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, लेकिन नहीं, हमें बचत करनी आती है, हम भी सस्ती चीज़ें यूज़ करते हैं। और आज मैं ब्लू थीम के ऊपर बैकग्राउंड बना रही हूँ। इसके साथ जो ब्रश मिला है उसके ब्रिसल्स बहुत गंदे हैं एंड फॉर बेटर रिजल्ट ऑफकोर्स मैं अपना यूज़ करूँगी। हमने बैकग्राउंड बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैं क्या बात कर रही थी कि यूट्यूब में आपको ऐसा बैकग्राउंड कहीं भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है एंड ये आइडिया भी ना मैंने बताऊँ कैसे बनाया। कल मैं अपने भाई का आईपैड यूज़ कर रही थी तो ऐसे canva.com खोल लिया और वहाँ टेम्पलेट्स में मैं ना ड्राइंग करने लग गई। एंड ड्राइंग करते करते ना वो इस कदर प्यारी हो गई और इस तरह का बैकग्राउंड बन गया। मैंने वहाँ तो अपने नोट्स लेने थे लेकिन मैंने सोचा कि कैलीग्राफी पे भी तो अच्छा लगेगा, तो मैंने कर लिया। ऑफकोर्स थोड़े से हम लीव्स बनाएंगे। तो अगर आपने भी इस तरह कभी टेम्पलेट बनाया है canva.com पे या किसी भी ऐप पे तो मुझे बताना कि आपके कैसे बनते हैं। मेरे तो बहुत प्यारे बनते हैं। अब इसमें हमें छोटी छोटी और थोड़ी डिटेल्स ऐड करनी है जो मैं ब्लैक पेन से ऐड करूँगी। एंड ये पेन मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया था इसलिए मैं इसे हर पेंटिंग में यूज़ करती हूँ। थैंक यू पापा इस पेन के लिए। खैर, हमारी पेंटिंग भी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तकरीबन मींस हो गई ख़त्म। इस तरह के और आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वैसे आप बताइए कैसा लगा था आइडिया आपको मेरा कि इस तरह बैकग्राउंड का, कि मैं अपना बैकग्राउंड शेयर करूँ। तो बताएं इसके अंदर हम कैलीग्राफी में क्या लिख सकते हैं। वैसे मैं अपना नाम सोच रही हूँ लेकिन आप लोग सजेस्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।